नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके पास भी ऐसा कोई ना कोई फोन जरूर होगा जो या तो बंद हो गया होगा या आपने उसे चलाने के लिए किसी और को दे दिया होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी मार्केट में कोई नया फोन लॉन्च होता है तो मोबाइल फोन के शौकीन लोग अक्सर अपना फोन बदल लेते हैं। वहीं कई लोग जिनके फोन कबाड़ बनने की स्थिति में होते हैं तब वो एक नया फोन लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस फोन को खराब समझकर आप अपने घर के किसी कोने में रख रहे हैं वो असल में आपको हजारों रुपए का मुनाफा करवा सकता है। इतना ही नहीं, आपका फोन एकदम ही टूटकर बेकार हो चुका हो तब भी वो आपको मालामाल कर सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब ऐसे कबाड़ वाले फोन से आपको 2000 रुपए तक का मुनाफा हो सकता है। अमूमन आप जब भी नया स्मार्टफोन लेते होंगे तो एक्सचेंज के रूप में आपके पास पुराना फोन एक्सचेंज करने का विकल्प होता ही है। विकल्प होता है जो सही से चलता हो, क्योंकि इस मामले में अगर आप जो फोन एक्सचेंज कर रहे हैं उसकी स्थिति सही नहीं हुई तो आपके एक्सचेंज को रिजेक्ट तक कर दिया जाता है, जिससे कि आपको इस एक्सचेंज का फायदा नहीं मिल पाता। लेकिन अब मुकेश अंबानी और रिलायंस जियो एक ऐसा शानदार ऑफर लेकर आए हैं जो आपके कबाड़ में पड़ी फोन के लिए भी आपको 2000 तक का मुनाफा दिलवा सकती है। जियो का ये नया ऑफर आपको जियो फोन नेक्स्ट के साथ मिलने वाला है। कंपनी ने इसे 4G स्मार्टफोन पर नया एक्सचेंज ऑफर शुरू किया है, जिसके तहत ही अगर आप जियो फोन नेक्स्ट खरीदते हैं तो आप इसके साथ अपना पुराना फोन एक्सचेंज कर सकते हैं, जिससे सीधे आपको 2000 रुपए तक का मुनाफा होगा। जियो का ये ऑफर अन्य ऑफर से बेहद ही अलग है और खास भी माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी मोबाइल फोन बदले में दे सकता है। मुंबई के रिटेलर ने भी ग्राहकों को हो रही समस्या पर अपना बयान दिया है, जिसके तहत ही उन्होंने साफ किया है कि अगर कोई भी ग्राहक अपना पुराना बंद पड़ा स्मार्टफोन लेकर आ रहा है तो कंपनी पॉलिसी के अनुसार उसे भी 2000 रुपए का बेनिफिट दिया जाएगा। यानी कि अब कबाड़ में पड़ा फोन भी आपको नए फोन के साथ बढ़िया ऑफर दे सकता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें कि जियो फोन नेक्स्ट को गूगल और रिलायंस जियो की साझेदारी में बनाया गया है। लेटेस्ट रिलायंस जियो फोन एंड्रॉइड के एक स्पेशल वर्जन के साथ आता है। ये एक अल्ट्रा अफोर्डेबल फोन है जिसकी कीमत 6,499 रुपए रखी गई है, लेकिन ये फोन कुछ खास करिश्मा नहीं कर पाया, क्योंकि लोगों को जितनी उम्मीद रिलायंस के इस मॉडल से थी वो उम्मीद पूरी नहीं हुई, क्योंकि अंबानी के इस फोन को लॉन्च करने के साथ ही इसे दुनिया का सबसे तेज 4G स्पीड वाला स्मार्टफोन होने का दावा किया गया था, लेकिन इसके दाम आसमान छू रहे थे। लेकिन अब उम्मीद है कि अब ये जियो के नए ऑफर के साथ आपको यही स्मार्टफोन लगभग 4400 रुपए में मिल जाएगा। चूंकि ये लोगों को इसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काफी महंगा लगा, लेकिन उम्मीद अब यही जताई जा रही है कि इस नए ऑफर से लोगों के पास सस्ते दर में मोबाइल फोन खरीदने का विकल्प भी होगा, साथ ही आपके पुराने मोबाइल का अंबार भी आपके घर से कम होगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।